ओके स्टूडेंट्स, यह है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है कि परवीन एक 55 लड़की है जो अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहती है। शेल्टर जानते हैं ना, ढकने के लिए, ठीक है। अब शेल्टर का मतलब उसने एक घर जैसा बनाना है। अब अगर कार उसमें घुसेगी तो सिंपल सी बात है कि जो भी वो कपड़ा लगाएगी तो फ्लोर पर तो लगाएगी नहीं, ठीक। दूसरी चीज़, अब उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जब वो शेल्टर बनाती है तो जो सामने वाला है वो है आपका फोल्ड करने वाला। कैसा है? फोल्ड करने वाला। जैसे ये आपका मकान है, ठीक है। अब मकान में ये जो आपके सामने में फ्रंट की जो पर्दा होगी वो कैसे फोल्ड होगी? फोल्ड करते समय वहाँ पर जो स्टिचिंग है जिससे हम सिलाई करेगी कपड़े की, वो मानती है कोई मार्जिन है, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसका हमें मार्जिन का कोई ख्याल नहीं रखना है। अब सिंपल सी बात यह है कि मुझे सरफेस एरिया कितने फेस का लगाना है, तो सरफेस एरिया लगाना है मुझे 5 फेस का। कितने का? 5 फेस का। उसकी वजह है क्योंकि उसकी सीलिंग होगी लेकिन फ्लोर नहीं होगा, ठीक है। और 5 फेस का जो एरिया होता है तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर इक्वल्स टू 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये तो हो गया आपका लेटरल, प्लस LV, ये होगी आपकी सीलिंग, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था लेटरल प्लस सीलिंग, इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम बिल्कुल चलेंगे। और ये हो जाएगा 2H, मेरे पास दिया गया 2.5 मीटर, 2 × 2.5, ब्रैकेट में L दिया है 4, प्लस ब्रीथ दिया 3, प्लस 4 × 3, इसका मतलब 2.5 × 2 तो 5 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, तो मल्टीप्लाई में 7 कर देता हूँ, प्लस 4 या 12, तो 35 + 12 दैट इज़ 47 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया चाहिए उसे? 47 मीटर स्क्वायर का उसे क्लॉथ चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।